जब तक मैं सिर्फ वीगन खा रहा था ना, तब तक तो सिंपल है भाई, दाल रोटी सब्जी में काम चल रहा था। जब से मैंने हेल्थ का चक्कर पकड़ा है ना कि भाई मैं कोशिश करूंगा जितना खुद उगाऊं वो वाली सब्जी खाऊं, तब से मेरी जान को ज्यादा मुसीबत पड़ी है। तो आजकल जो कार्ब्स और प्रोटीन है वो तो मैं ले रहा हूँ मक्की और सोयाबीन से, क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पे हम उगा सकते हैं। ये वाले जो है मेरे उगाए हुए नहीं है, मक्की तो संतोष के खेत की है पर है ऑर्गेनिक, सोयाबीन फिलहाल बाजार की है। ये लगे मटर, तो आज मैं कुछ मटर उतारूंगा अपने लिए और गोभी उतारने जा रहा हूँ, और बेसमेंट में एक मशरूम है जो खूब बड़ा हो गया है वो उतार रहा हूँ, तो उसका बनेगा सूप। तो रात को तो मैं खाता हूँ सूप, दोपहर में सब्जी, और जिस दिन धूप हो जैसे आ जाए तो आज तो मेरी सब्जी होगी सोलर कुक्ड। बड़ी सारी गोभियां दिख रही हैं, तो जो सबसे बड़ा फूल है वो मैं एक उतार लूंगा। ये जो डंडियां हमने लगा रखी है ना, ये इसलिए क्योंकि जो हमारे कुत्ते हैं उनको बड़ा मजा आता है कि हमारे खेत को एकदम रनिंग ट्रैक की तरह इस्तेमाल करें, तो थोड़ा इससे वो डिस्करेज हो जाते हैं। मैं गोभी उखाड़ने की बजाय ना बस काट लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी फिर मिनी गोभियां आना शुरू हो जाएंगी। तो अब गोभी और पत्ते दोनों ही अपन कुक कर लेंगे। अब ये एक गोभी मैंने और उतारी है, ये हो गई थी थोड़ी पिंक। अब ये क्यों हो जाती है, मैंने एक समय में पढ़ा तो था पर मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने मेरी लूफा वाली रील देखी हो तो आपको याद होगा कि लोग आर्गुमेंट कर रहे थे कि ये अलग होते हैं लूफा। अब ये देखिए, ये मेरी तोरिया जो है सूख गई है, अब इसको छील के लूफा हम बना लेंगे। अब मैं बैठा हूँ मटरों के बीच। बाय द वे, ये सामने हमारा होम ऑफिस है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे बनते हैं प्रोडक्ट्स और नीचे हमारा घर है एंड ऑफिस। खैर, तो अब जो मैं मटर उतारूंगा वो उतारूंगा जो मेरा सबसे पके पके मटर है। अब ये एक पका हुआ है, पर ना जो सबसे पहले पकता है उसको तो मैं बीज के लिए छोड़ देता हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि आज मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। यहाँ तो सारे ही मटर जो है ना अभी कच्चे कच्चे मटर हैं। ओरे 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 ओरे, कुछ कुछ लगे हुए। हाँ ठीक है, अभी खेत में मैं दोबारा इन्वॉल्व हुआ हूँ ना, तो अगली बार से तो हम करेंगे कंटिन्यूस प्लांटिंग। तो यानी कि क्या है, सारे मटर एक बार में लगाने के बजाय कुछ मटर लगाए, एक हफ्ता रुक के लगाए, और फिर कंटिन्यूस हार्वेस्ट भी चलती रहेगी। अभी क्या है, ये एक ही साथ सारे पकना शुरू हो जाएंगे। यार मटर तो मुझे मिले नहीं, सारे ही मटर जो है ना अभी कच्चे कच्चे हैं, तो दो ही मटर मुझे मिले हैं, तो मैं कच्चा खा जाऊंगा छिलके समेत। अब जाके निकालता हूँ मशरूम। अच्छा, मैं तोरियों की बात कर रहा था ना, ये देखो दो तोरियां छिली हुई हैं और वो हमने धो ली हैं, थोड़ी सी काली हो रही थी और उसको सूखने रख दिया है। वैसे आजकल हरे पत्ते काफ़ी होते हैं ना, तो हम ये सुखा के रख रहे हैं। ये जो भी हमारे संतरे मौसमियाँ निकलते हैं इसके भी छिलके हम सुखा लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं, वो फेस स्क्रब के लिए यूज़ होता है। और जो मशरूम हमारे एक्स्ट्रा निकलते हैं, तो देखो कई मशरूम तो साबुत ही मैंने सुखा लिए हैं। मैंने सुना है कि मशरूम धूप में रखो तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाते हैं, उनमें विटामिन डी शायद आ जाता है, और कुछ को तो हमने फिर काट काट के सुखा लिया है। और ये डब्बे बस इस समय धूप में रखे हैं कि चेक हो जाए कि भाई इसमें कहीं कोई मॉइस्चर रह तो नहीं गया, और फिर ये उन महीनों में काम आएगा जब खाने को खेत से कुछ निकल नहीं रहा होगा। मैं आपको किचन में ना एक और चीज दिखाता हूँ जो मेरा खाने का होता है। ये जो है, ये तो है हमारे सारे देसी केले। तो सुबह सुबह मैं क्या करता हूँ, जो भी अपना चुकंदर के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते, गाजर के पत्ते, वो केले, और प्लस मैं कुछ जैसे अपने जो मोठ की दाल है उसके स्प्राउट्स बना रखे हैं, वो रात को मैं भिगो के रखता हूँ। तो मोठ की दाल भिगो रखी है, ये मैंने अपने बादाम भिगो रखे, एक खजूर में भिगो देता हूँ, और कुछ जो है कद्दू के बीज तो भाई बाजार से आ रखे हैं। तो इस सब की मैं सुबह स्मूदी पी लेता हूँ, ये तो हो जाता है मेरा नाश्ता। फिर लंच में जो जैसे मक्की, देखिए ये स्प्राउट हो गई, स्प्राउट और मक्की, और सोयाबीन के स्प्राउट होने का इंतजार है। तब जब ये स्प्राउट हो जाएगी तो इन दोनों को पीस के बना लेंगे हम आटा सा, और फिर उसकी रोटी में मोरिंगा के पत्ते डाल लिए, लहसुन के पत्ते डाल लिए, उसकी रोटी बन गई। सब्जी जो है, अब जैसे मैं गोभी को काटूंगा, सोलर कुक कर लूंगा, तो ये हो गया मेरा लंच। फिर डिनर के लिए अगेन जो कुछ मक्की में भिगो के रखता हूँ, ये अभी तो खाली पड़ा है, इसमें नरम मक्की लिखा होता है क्योंकि आज मैंने सूप स्किप करना है, और कुछ जो डिहाइड्रेटेड मशरूम होते हैं जो मैंने आपको बाहर दिखाए वो मैं सोक करके रखता हूँ। तो जैसे हमारे पास पहले के कुछ डिहाइड्रेटेड मशरूम पड़े हैं, ये मैं बाजार से लाया था, तो ये जैसे मशरूम पड़े हैं, तो ये भिगो के रखा, सुबह मशरूम उबाले, उसमें मक्की डाली, उसी में ही जो फिर खेत से पत्ते निकल रहे हैं, बकचोए निकल रहा है, मोगरे निकल रहे हैं, मेथी, उसी को काटा और उबलते में डाल दिया, बंद कर दिया, वो स्टीम कुक हो जाते हैं, तो ये मेरा न्यूट्रिशियस सूप हो जाता है। अब मैं आपको बेसमेंट ले जाता हूँ, मशरूम देखता हूँ कि कितने हो गए हैं और आपको दिखा भी देता हूँ। ओ बाबा रे,
ओके जी, ये देखो मशरूम कितना ही बड़ा हो गया। तो मेरा तो आज इसी एक में ही काम हो जाएगा। ये मशरूम देखो ऊपर से काले काले इसलिए हो गए क्योंकि ये मशरूम खुल गया ना, तो इसने अपने स्पोर्स उस पर छिड़क दिए, लेकिन इससे हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ से मैंने मशरूम उखाड़ा है ना, वहाँ पे थोड़ी मिट्टी डाल देनी होगी ताकि दोबारा ये और निकलते रहें। इन्हें तो मैं थोड़ा सा और बड़ा होने तो निकाल ही लेता हूँ। मेरे को ऊपर से ना ट्रे लेके आनी पड़ेगी। ट्रे तो मिली नहीं, जो प्लेट मेरे हाथ से चढ़ गया मैं वही ले आया हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारी अदरक निकली हुई है और ये हमने कुछ हल्दी रखी है कच्ची जिसे हमने पिसवाया नहीं है। तो हल्दी के साथ काली मिर्च अपना सरसों के तेल में हम थोड़ा सा भून लेते हैं और वो मैं रोज़ खा लेता हूँ, तो उससे भाई बंदा बीमार नहीं पड़ता। तो अभी तो राम जी की कृपा से और ये हल्दी खाने की वजह से बीमार नहीं पड़ा इस सीज़न। अभी बाकी के मशरूम निकाल दें तो ऐसे लग रहा है जैसे रखे हुए हैं मैंने, नकली लग रहे हैं। है नहीं ऐसा, ये उग रहे हैं आपके सामने। ऑयस्टर मशरूम भी निकलना शुरू हो गया। देखो ये निकलना शुरू हुआ है। पिछले व्लॉग में अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बैग दिखाया था, उसमें जरा सा था, अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया है। तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसको तो पैन में ना के बराबर तेल में आप फ्राई कर लो और इसका बड़ा गोल्डन ब्राउन सा हो जाता है जो क्रस्ट है। और थोड़ा इसको खाने में मैं कहूंगा कि चिकन का तो नहीं, लोग फिश कहते हैं, फिश का भी नहीं, इतना जैसे अंडे का सफेद वाला हिस्सा होता है ना, वैसा इसका टेस्ट रहता है। मशरूम बस हल्के से धोने, इनको ज्यादा नहीं धोना होता, नहीं तो जो इसके तने है ना उसके अंदर पूरा पानी भर जाता है। आप ही क्या बना रहे हो सर? वो क्या बोलते हैं, कुरकुरे। अच्छा चिप्स। ये शिवानी की एक रेसिपी चल रही है नाचो चिप्स की, जो मक्की से बनते हैं ना, टॉर्टिया चिप्स जैसे इन्हें कहते हैं। तो ये वो बन रहा है, ये कुछ मेरे ख्याल से बने भी हैं। ये तो शिवानी अपना डालेगी उस पे इंस्टाग्राम पे, कहानी वाली शिवानी। तो अभी मैंने क्या किया, गोभी तो हाथ से ही तोड़ के इसमें डाल दिए, पत्ते डाल दिए। इसमें मैं हल्का सा डालूंगा तिल का तेल, हल्का सा नमक और इसको कुक होने रख दूंगा। डंठल मैं अलग काट के रख रहा हूँ क्योंकि इनको थोड़ी ज्यादा देर लगेगी कुक होने में, क्योंकि होते हैं हार्ड। मशरूम धो लिए हैं, मशरूम तो काटने की भी जरूरत नहीं है। मशरूम के तो टोपी ली, चार पांच टोटे करे और इसका तना देखो, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे लोगों को थोड़ा चिकन जैसा लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं इसलिए खा रहा हूँ कि इसका नॉनवेज जैसा टेस्ट है, पर अगर नॉनवेज छोड़ना है तो मशरूम उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें अब होंगी सोलर में कुक। अब मैंने सोलर कुकर कर दिया है सेट, अभी बंद करना है। तो इसको लगाना ऐसे है कि वो रहा सूरज, उसी डायरेक्शन में ये है, छाया से आपको पता लग जाता है। देखो छाया बिल्कुल इसके पैरेलल है ना, एंगल पे नहीं है, सीधी है छाया। अब इसमें मैं ये डब्बे रख दूंगा और फिर मुझे करना है कांच बंद। ये मैंने एक टेम्परेचर मीटर अंदर रखा हुआ है देखने के लिए भाई कितना तापमान पहुंचता है। इसका करीब 100 के करीब टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो जो खाना है ना वो स्लो और लो कुकिंग मेथड से पकेगा, तो जिससे उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ज़्यादा बढ़िया से प्रिजर्व रहती है। डन डन, अब सूप और वहाँ पे वेजीज की जो लो और स्लो कुकिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आज मेरा सूप का रूटीन हो गया चेंज, क्योंकि अभी तक तो मैं मिक्स्ड मिलाइज्ड मक्की, जो नरम मक्की है उसका सूप बना रहा था। अब मेरे को किसी ने कह दिया कि भाई बांस की जो राख होती है उसमें हैवी मेटल होते हैं, तब जब तक मैं वो क्लियर नहीं करता तो जो स्प्राउटेड मक्की है उसी का सूप बना रहा हूँ। अब इसका चक्कर ये कि इसको उबालना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, वो जो मिक्स्ड मिलाइज्ड मक्की है वो तो 2 मिनट में तैयार हो जाती थी। मेरी वेजीज ये मैंने इसमें बस डाल देनी है, गैस करीबन और डन। तो अभी ये भाप से ही अपना कुक होता रहेगा और शाम को मैं इसको हल्का हीट करूँगा। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ लगी हुई है, वो है रुई। इसमें तो नहीं पता लग रहा, ये लगी हुई, ये लोग ना सारी रुई तोड़ के वो सूची जोतों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ये अगर छोड़े रुई का पीछा तो मैं पता क्या चाहता हूँ कि इतनी इकट्ठी कर लूँ कि कम से कम एक अपना कुर्ता अपनी रुई का पहनूं।